हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ बॉन्डिंग इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो बेटा इसको छोड़ना नहीं और बहुत ध्यान से समझना। अब कार्बन में बॉन्डिंग की बात करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कार्बन। ठीक है, कार्बन 14 ग्रुप में प्रेजेंट है। अटोमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6 होता है। और अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इट विल बी 2 and 4। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलती है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या इसकी एक एक्सेप्शन है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी जिस एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। और जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो कौन से रूल को फॉलो करेगा? डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, ये दोनों मैं आपके साथ डिस्कस कर भी चुकी हूँ। तो अब कार्बन को अगर देखें हम, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। इट मीन्स वर्ड, अब कार्बन को अपना आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए मींस इन ऑर्डर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल क्या करना पड़ेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 4+4 8 हो जाएंगे वैलेंस शेल में, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, बट ये दोनों ही केस क्या हैं? फिजिबल नहीं है। अब फिजिबल क्यों नहीं है? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना या 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना एनर्जेटिकली फेवरेबल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो बेटा प्रोटोन तो एटम में 6 ही है ना, कार्बन में 6 प्रोटोन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू होल्ड 6 प्रोटोन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 प्रोटोन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत मुश्किल है। ठीक, और दूसरे केस में अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो भी क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो ये ट्रांसफरेंस वाली ऑप्शन तो क्या हो गई? कैंसल हो गई, खारिज हो गई। सो अब कार्बन के पास और ऑप्शन क्या थी? क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं किसी भी तरह, इन ऑर्डर टू हैव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो अब कार्बन के पास एक ही ऑप्शन थी कि वो क्या कर ले, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले विद अदर एटम्स या विद एटम्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन ने क्या करना प्रेफरेबल समझा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हमें पता है जो बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनती है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड्स बेटा दो तरह की हैं, वैसे तो बॉन्ड्स 4 टाइप्स की हैं, बट आप जो दो टाइप की बॉन्ड पढ़ते हो वो एक है आयनिक बॉन्ड, दूसरी है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि कार्बन प्रेफरेबली कौन सी बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाना उसके बस की बात नहीं है। यहां तक पता चला? अब जब हमें पता चल गया कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो कार्बन के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। अब उसकी हमें नेचर का पता चलेगा कि कार्बन किस तरह की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। आइए वो देखते हैं कि कार्बन किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करेगा। कार्बन मेनली दो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? कार्बन के जितने भी कंपाउंड होंगे उन सबके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? लो होंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स उनके क्या हो जाएंगे? लो हो जाएंगे। सेकेंडली, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विल बी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कार्बन के जितने भी कंपाउंड होंगे वो सब क्या होंगे? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है जी,
ये दो करेक्टरिस्टिक्स का कारण क्या है? बिकॉज जो कोवलेंट कंपाउंड्स में बॉन्डिंग होती है, कार्बन क्या बना रहा है, कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है ना, उन कंपाउंड्स के बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं। ठीक है, लो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण आप थोड़ी सी एनर्जी अप्लाई करोगे तो वो एकदम से क्या हो जाएगा, मेल्ट या बॉइल हो जाएगा, राइट? तो सेकेंड कारण क्या है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने का? जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, दे डू नॉट कंटेन एनी आयंस। किसी भी कंपाउंड के बीच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का कारण क्या है, किसी भी सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का कारण क्या है? प्रेजेंस ऑफ आयंस। और वी कैन क्लियरली सी कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे, आयन कंटेन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनी है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयंस कब जनरेट होंगे? व्हेन देयर विल बी ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अभी थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्डिंग को समझने की कोशिश करते हैं बिफोर डिस्कसिंग द बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो मैं लेने जा रही हूँ दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, आपको साथ में मैं मेथड भी बताती जाऊंगी कि आपने अगर शेयरिंग शो करनी है, मान लो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि शेयरिंग शो करो, तो आप शेयरिंग कैसे शो करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जिनको मिलके वो मॉलिक्यूल बना है। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। नाउ आप यहाँ से देखो, अब थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर ये हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफर कर दे तो इसके पास तो 2 हो जाएंगे, डुप्लेट कम्प्लीट हो जाएगा, बट ये हाइड्रोजन 0 हो जाएगा, खाली हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी तो बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो ये दोनों क्या प्रेफर करेंगे, ये प्रेफर करेंगे कि हम क्या कर लें, आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लें। अब शेयरिंग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी इसके लिए, इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट, ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या है, एक डॉट है, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट। ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। मीन्स इन्होंने आपस में भाईचारा कर लिया कि मेरे पास भी भाई एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इंस्टेड कि हम एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली दे दें या ले लें, हम क्या कर लेते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो शेयर इन्होंने कैसे करा, आफ्टर शेयरिंग ये इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, आफ्टर शेयरिंग क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है, सॉरी ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स को बिलोंग करेगा, जिसके कारण इसके आउट वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आपस में मिलके दोनों क्या बना देंगे, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। बिकॉज वी नो दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। देखो ऐसे याद रखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इनको आपस में कंबाइन कर दो तो क्या बन गई, एक बॉन्ड बन गई। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो कितनी बॉन्ड बनेंगी, तो याद रखना है 2 इलेक्ट्रॉन मिलके हमेशा एक बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा मैंने ली है ऑक्सीजन, आइए देखते हैं ऑक्सीजन किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी हो जाएगी, 6, ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन की भी हो जाएगी 2 और 6। अब देखो दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देंगे इन ऑर्डर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आओ देखते हैं कैसे, सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो ऐसे यहाँ से क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग के लिए। तो लो जी दे दिए, 1, 2, 3, 4 ये दे दिए और ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर लिए, शेयर कर लिए। ठीक है, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हर एक ऑक्सीजन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब देखो दोनों ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, और अगर पेयर के टर्म में बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हैं। अभी मैंने बताया एक पेयर मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, तो 2 पेयर मिलके कितनी बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में कितनी बॉन्ड बन जाएंगी बेटा, 2 बॉन्ड बन जाएंगी, और दोनों ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन की। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूं कि सिंगल
कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनती है, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, 2, 5। दूसरे नाइट्रोजन की भी यही रहेगी, 2 और 5। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो पहले। 5 इलेक्ट्रॉन है, 3, 4, 5। ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्लियरली विजिबल हो रहा है फिर कि ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग के लिए, और ऐसे ही ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग के लिए, सो दैट दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक है। और एक एक दोनों के पास क्या रह जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो अब दोनों नाइट्रोजन ने कितने पेयर शेयर करे हैं, 3, और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं। तो दोनों नाइट्रोजन के बीच कौन सी बॉन्ड बनेगी और कितनी बॉन्ड बनेगी, 3 बॉन्ड बनेगी, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी, राइट। तो इस तरह से दोनों नाइट्रोजन ने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर ली। मैं फिर से बता रही हूँ, दीज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू बोथ द नाइट्रोजन एटम, तभी इनके पास 8 हुए हैं अलग अलग, 6 और 2 8, 6 और 2 8, ठीक है। जब इन्होंने अपना एक एक दो दो दे दिए, दो नहीं 3-3 दे दिए, तो 3-3 देने के पास इनके पास 2 ही बचे ना, तो ये 2s लोन पेयर इनके पास हैं अभी भी। अब हम बात करते हैं अपने कार्बन के कंपाउंड्स की। तो जो पहला कार्बन का कंपाउंड है वो है CH4, दैट इज फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन फैमिली, दैट इज मिथेन। तो देखो भाई, दो तरह के एटम दिखाई दे रहे हैं मिथेन के अंदर, एक तो कार्बन है और दूसरा कौन है, हाइड्रोजन है। दोनों का एटॉमिक नंबर हमें पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, कार्बन की 2, 4, हाइड्रोजन की 1। अब अगर यहाँ से देखें तो हमें पता ही है कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऑलरेडी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी कार्बन के पास तो है ही ये ऑप्शन कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन भी कितने हैं बेटा, 4 हैं, तो क्या करेंगे, चारों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेंगे, एंड जिससे कि क्या हो जाएगा, कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, बिकॉज हर एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो दोनों ही स्टेबिलिटी को गेन कर लेंगे। वाइल डूइंग बॉन्डिंग बेटा जो एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं कि हम दोनों का फायदा हो, जब आयनिक बॉन्ड भी बनती है तो उस केस में भी दोनों ही एलिमेंट्स, दोनों ही एटम्स का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो रहा होता है, तो हमने बॉन्डिंग वही वाली प्रेफर करनी है जिससे दोनों एटम स्टेबिलिटी गेन कर ले, तभी वो मिलके एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो कार्बन है, कार्बन को लिखा मैंने, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दी, 4 डॉट लगा दी कार्बन के अराउंड। अब हाइड्रोजन भी बेटा कितने हैं, 4 हैं, 4 हाइड्रोजन लिख दिए ये लो, यहाँ पे क्रॉस से दिखा देते हैं, ठीक है। आप डॉट और क्रॉस कुछ भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। यहाँ पे उन केसेस में सेम एटम थे तो मैंने डॉट्स ही ले ली, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं तो एक को मैं डॉट से डिपिक्ट कर रही हूँ और दूसरे के लिए मैं क्रॉस यूज कर रही हूँ। तो हाइड्रोजन कितने आ गए, 4 आ गए, राइट। अब क्या करेंगे, देखो क्लियरली विजिबल है यहाँ पे भी, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे तो दोनों के पास क्या हो गए, इसके पास 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, ये दोनों भी शेयरिंग करेंगे, इसके पास 2 हो गए, 2 + 2 = 4 हो गए, इसका 2 डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही ये शेयरिंग करेंगे तो कार्बन के पास 6 हो जाएंगे, ऐसे ही ये शेयरिंग करेंगे तो कार्बन के पास 8 हो जाएंगे, इन दोनों के पास 2-2 हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये बॉन्डिंग शो करेंगे आपस में। तो ये इस तरह से करेंगे, ये बॉन्ड किसने बनाई है, हाइड्रोजन ने, ऐसे ही ये बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, ऐसे ही ये बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, और ऐसे ही ये बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा,
ठीक है। सो ये क्या हो गई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गई मिथेन के लिए, जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। और ये हमने क्या शो कर दी, शेयरिंग शो कर दी। तो हमें पता है मिथेन कितनी बॉन्ड्स बनाएगा, मिथेन में कितनी बॉन्ड्स बनी है, चार बॉन्ड्स बनी है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, पता ही है बिकॉज कार्बन की वैलेंसी भी क्या है, चार है, तो कार्बन चार ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा मैं ले रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6। अभी देखो एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो कार्बन को चार चाहिए और ऑक्सीजन को सिर्फ दो चाहिए। तो दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के साथ, दूसरा भी अपने दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, और वो मिलकर क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। कार्बन है बेटा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, तो लो मैंने लिख दिए चार इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दो चार इलेक्ट्रॉन, चार डॉट्स बना दी मैंने। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1, 2, 3, 4, चलो इसको क्रॉस से ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ऐसे ही इधर ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो ऐसे बनाने से बेटा हमें क्लियरली पता चल जाता है, अगर मान लो कन्फ्यूजन भी हो गई है, भूल भी गए हो, तो आपको याद आ जाएगा। कार्बन के ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे, और कार्बन के बाकी के दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेंगे, तो क्या बन जाएगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया CO2, राइट। तो अब देखो CO2 को कैसे बनाएंगे, यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना देगा, और दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी कितनी बॉन्ड बना देगा, दो बॉन्ड बना देगा। बाकी के जो चार इलेक्ट्रॉन है वो इनके पास ही रहेंगे, ठीक है, बाकी के जो चार इलेक्ट्रॉन है वो इनके पास ही रहेंगे एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे भी हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक इथेन का केस भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। कई बार इथेन भी पूछ लिया जाता है C2H6, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से शो करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो बेटा सीधा ही दिखा रही हूँ, पता है अब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4 और 1, ठीक है। अब देखो कार्बन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। देखो अब ये शेयरिंग कैसे करेंगे, दो कार्बन हैं, हर एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ठीक है, लो जी मैंने बना दिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन किसके साथ शेयर कर लेगा, 3 हाइड्रोजन्स के साथ, लो करवा दिया 3 हाइड्रोजन्स के साथ, और ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है इनका, एक्चुअल में ये यहाँ था, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा बिकॉज ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इसकी शेयरिंग करेंगे, तो शेयरिंग करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज विल बिलोंग टू बोथ द एटम्स। तो सबसे पहले तो इनकी शेयरिंग शो कर देते हैं दो कार्बन्स की, ये लो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गई एक, ठीक है, जो कि है एक्चुअल में, एक्चुअली इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, CH3 CH3। तो देखो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, देखो बना रहा है, ये बना दी 1 हाइड्रोजन के साथ, ये बना दी दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और ये बना दी तीसरे हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ कितनी बॉन्ड बना देगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये पेयर हमारे थोड़ा सेंटर में आएंगे, यहां से
इस तरह से, ठीक। आप समझ ही गए हो कि ये सारे क्या हैं, इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली, और शेयरिंग के बाद कुछ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, इथेन बन गया, ठीक है। इजी है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपने सोचना है कि किस तरह से शेयरिंग होगी, क्या सिचुएशन बन रही है। अगर वो आप समझ पा रहे हो तो आप आसानी से कोई भी कार्बन के कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके दिखा दोगे, नॉट अ बिग डील, ठीक है। सो आई होप आपको बॉन्डिंग इन कार्बन समझ आ गई होगी कि कार्बन के कंपाउंड्स किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनती क्यों है, ये भी मैंने आपको बताया। फिर से बोल रही हूँ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पूरा का पूरा, इसका एक एक टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके टेंथ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आप जब फर्दर अपने प्लस वन में जाओगे, प्लस टू में भी जाओगे, तो ये जो बेस है आपको बहुत ही हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।